हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारी आज की वीडियो में स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपने पेरेंट्स का ख्याल कैसे रखें। तो कभी भी आपके पेरेंट्स को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो एक केज में बंद हो गया। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सुबह के वक्त अपने टेरिस के ऊपर या अपने गार्डन के अंदर ले जा सकते हैं ताकि पेरेंट्स को भी थोड़ा खुलापन मिले और अपने पेट को ज़्यादा से ज़्यादा समय दें और हो सके उतना खुला रखिए, केज में कम रखिए। जैसे कि अभी सुबह का वक्त है, मैं अपने पेरेट्स को छत के ऊपर लेके आया हूँ और यहाँ पे ओरिंग ने एक पेरेट हुए जो यहाँ पे दाना खा चुक रहे हैं और ये भी इनके साथ इंजॉय कर रहे हैं। तो और पॉइंट नंबर टू, अपने पेरेट्स को सर्दियों में दोपहर के वक्त धूप में ज़रूर लेके आएँ। इससे क्या आपका पेरेट्स भी हेल्दी रहेगा, उसको सर्दी भी नहीं लगेगी। इससे क्या पेरेट्स को जुकाम लग जाती है, बीमार हो जाते हैं और बाद में क्या वो अकेले हो जाते हैं, सुस्त से हो जाते हैं, इससे कम बोलते हैं, खाना नहीं खाते। तो अपने पेट्स को धूप में ज़रूर लेके जाएं। पॉइंट नंबर थ्री, आप जब भी रात को अपने पेट को सुलाएं तो उसके केज के ऊपर एक मोटा कपड़ा ज़रूर रख दें। मतलब केज को मतलब मोटे कपड़े या कंबल से कवर कर दें और थोड़ा सा खुला रखें ताकि पेट्स को थोड़ी हवा भी मिल सके सांस लेने के लिए। और यही कुछ पॉइंट थे जिससे आप अपने पेट्स का ख्याल रख सकते हैं सर्दियों में भी। और सर्दियों में आप अपने पेट्स को रोज़ नहीं बल्कि पाँच से चार पाँच दिनों में एक बार नहलाएं, वो भी गुनगुने पानी से, और अपने पेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा समय दें। और मैं यही कहना चाहूँगी, अपने पेट्स को धूप में रखें और ज़्यादा से ज़्यादा समय दें, खुला जितना रख सके उतना ज़्यादा खुला रखें अपने पेट को, केज में बंद करके मत रखिए। थैंक यू हमारे वीडियो को पूरा देखने के लिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।